ने तो अपने सबसे पॉपुलर स्मार्टफोन रेडमी नोट 3 को अपडेट देना बंद कर दिया है, वो भी मीयू 9 एंड्रॉइड नोट के साथ। पर एपिक रोमिंग टीम ने इसको अभी भी अपडेट दिए जा रहे हैं, वो भी सबसे बेस्ट एंड्रॉइड नोट के साथ, वो भी मीयू 9। तो आज हम बात करेंगे इसी के सबसे लेटेस्ट वर्जन मीयू 9.1 11.7.11.23। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जाते हैं हम माई डिवाइस में और स्पेसिफिकेशंस। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरा फ़ोन है रेडमी नोट 3, वी आई वर्जन 9.7.11.23, एंड्रॉइड वर्जन नौगट। सिक्योरिटी पैच नवंबर का दिया गया है और कर्नल अग्नि प्योर है, जो कि काफ़ी बेहतरीन कर्नल है एंड्रॉयड नोट के लिए फॉर म्यू 9। तो बात करते हैं इसमें फीचर्स की। कुछ नए फीचर जो कि इसमें ऐड हुए हैं और कुछ फीचर जो कि पहले से थे उसको सुधारे गए हैं और जो बग्स थे उनको सॉल्व कर दिए गए हैं। तो पहला इसमें नया फीचर है वो है क्विक रिप्लाई का। अब आप क्विक रिप्लाई सबसे आराम से कर सकते हैं, क्योंकि पहले फीचर Xiaomi ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था स्पीड डिटेक्शन के साथ, लेकिन अब इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है और ये फीचर काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि जस्ट आपको नोटिफिकेशन स्वाइप करना है और ऑप्शन देगा आपको रिप्लाई विद दिस मैसेज, क्लिक करना है, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड, आपका रिप्लाई हो जाएगा। ये इस वीक के अपडेट से ऐड हुआ है हर एक फ़ोन के लिए जो एंड्रॉइड नोट के ऊपर है। और नेक्स्ट बात इस रोम की है कि VoLTE काम कर रहा है, इसके लिए आपको बस VoLTE का पैच फ्लैश करना है जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जस्ट आप फ्लैश कीजिए VoLTE का, मजे लीजिए। चेक करते हैं VoLTE के लिए। वेलकम टू जियो। VoLTE काम करता हुआ परफेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस की प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर दिया गया है। अब आपको ऑटोमेटिक ब्राइटनेस अपने आप होगा कम तेज, आपको मैनुअली ब्राइटनेस कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सारे फीचर्स अच्छे से हैं, GPS वगैरह ये सब काम कर रहे हैं, वाईफाई वही सब कुछ। अब बिल्कुल ही स्टेबल वर्जन नहीं है, आप इसको अपने डेली लाइफ की तरह यूज कर सकते हैं। मैं तो इसको पिछले 2 दिनों से यूज कर रहा हूँ। अभी मैंने नाइट्रोजन इंस्टॉल किया था जस्ट फॉर चेकिंग परपज, मैं फिर से इस पर आ गया कि उसमें काफ़ी डुअल एप्स वाले फीचर थे जो कि इसमें मौजूद हैं उसमें नहीं है। और बात करते हैं रैम की। तो रैम को आपको क्लियर का ऑप्शन मिलता है, लगभग लगभग 800 MB 700 MB ऑलवेज मिलते हैं। उसको हम पहले ऑन कर लेते हैं, होम स्क्रीन एंड रिसेट, सो मेमोरी स्टेटस। अभी देख रहे हैं 422 MB रैम क्लियर ऑप्शन है, अभी क्लियर करके देख लेते हैं। मेरे पास अभी भी 562 MB है और मेरा बैकग्राउंड में ये रिकॉर्डिंग चल रही है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और अगला है जो कि इसमें मैं देखता हूँ, इसका कैमरे की क्वालिटी काफ़ी सुपर्ब है, क्योंकि इसमें MI A1 का कैमरा दिया गया है जो कि बेहतरीन फोटो क्लिक कर रहा है लाइट में भी और अंडर लाइट में भी। और गूगल का HDR मोड भी इसमें वर्क कर रहा है, मैंने उसको चेक किया है, वर्क कर रहा है। फ्रंट कैमरा भी अच्छा है जो कि काम कर रहा है अच्छे से। तो कैमरे की अब कोई प्रॉब्लम नहीं है इस रूम में, प्रॉब्लम बस एक चीज़ की है, वो है VoLTE पे वीडियो कॉलिंग, जो कि ज़्यादा जरूरत नहीं है। उसके लिए हम व्हाट्सएप वगैरह ये सब यूज़ कर सकते हैं, उससे भी कॉलिंग होती है और वो कॉलिंग एकदम अच्छे से काम कर रहा है। ये आपका असिस्टेंट भी मिलता है आपको, सारे फीचर्स, इंटरनेट ब्राउजिंग, कॉलिंग वगैरह सब कुछ काम कर रहा है इस रूम में, अब एक भी प्रॉब्लम नहीं रह बची है। अब बात करते हैं इसका अंतुतु स्कोर की। तो पहले अंतुतु स्कोर खोल लेते हैं। इसका अंतुतु स्कोर काफ़ी ज़्यादा है, लगभग लगभग 87,000 के आसपास, जो कि काफ़ी बेहतरीन है इस प्राइस रेंज में इस फ़ोन के साथ, क्योंकि ये रोम काफ़ी अच्छा है और गेम खेलने में आपको बिल्कुल ही लैग नहीं होगा, क्योंकि ये एपिक रोम है, इसमें रैम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है और फ़ोन काफ़ी बेहतरीन काम कर रहा है। सो गाइस, मैं तो कहूँगा इस बार आप इस रोम को एक बार जरूर इंस्टॉल कीजिए अपने फ़ोन में, क्योंकि अगर आप म्यू 9 यूज करना चाहते हैं वो भी एंड्रॉइड नोट के साथ और सारे फीचर लाइक स्प्लिट स्क्रीन, क्विक रिप्लाई और ये सारे फीचर, बेटर रैम मैनेजमेंट और बैटरी यूजर्स के लिए, तो इस रूम के बारे आप जरूर से यूज कीजिएगा। सो थैंक यू गाइज फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और मैं अपने वीडियो कैसे इंप्रूव कर सकूँ ये भी मुझे कमेंट में जरूर से बताएं।